हेलो किड्स, इन क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वन लार्ज नंबर्स, टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज फाइंड द नंबर्स। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या करना है, 2000 मोर देन 10001। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, अब 10001 में आपको 2000 ऐड करना है। मोर, मोर का मतलब क्या है, आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, 10001 प्लस, मोर का मतलब प्लस, कितना ऐड करना है आपको, 2000। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 2000। अब इसको प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 0 1, 0 0, 0 प्लस 2 2 एंड 1, 12001 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल है मेरे पास, 8 वंस मोर देन 61,900। ठीक है, अब देखो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी क्या है, मोर, मोर का मतलब आपको मैंने क्या बताया अभी, प्लस करना। ठीक है, तो 61,900 में 8 वंस मतलब ओनली 8 ऐड करना है, तो क्या आ गया आपका, 0 प्लस 8 8, 0 9 1 एंड 6, 61,908 योर आंसर। ठीक है, मतलब आपको जो भी फिगर दी हुई है आपने उसको क्या करना है, अगर मोर है तो आपने ऐड करना है, अगर आपको लेस है, यहाँ पे जैसे थर्ड एग्जांपल मेरे पास है 10,000 लेस देन 21,345, अगर लेस है तो आपने क्या करना है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 21,345 में से आपको क्या करना है, 10,000 इसको माइनस करोगे, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 कट करे 4, 3 में से 0 कट करे 3, 1 में से 0 कट करा 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11,345 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने अगर मोर है तो ऐड कर देना है, और अगर आपको लेस लिखा हुआ है तो आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसे ही ये है, ये तो आपको फिगर्स इस तरह से दी हुई थी। ठीक है, अब ये फिगर्स हैं आपकी, क्या है ये, जैसे 10,000 है, 1,000,000 है, इस तरह से फिगर्स हैं। तो अब क्या है ये, 1 लेस देन 10,000, अब 10,000 आप कैसे लिखते हो, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड एंड दिस इज 10,000, अब इसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप बोरो लेना शुरू करोगे, ये 0 रह गया, ये 9, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 10, 10 में से 1 गया 9 एंड 9, मतलब 9,999 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1 लेस देन 1,000,000, अब 1,000,000 कहाँ पे होता है, देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, उसके बाद 100,000 देन मिलियन। ठीक है, तो कितनी जीरोज आ गई इसमें बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज आ गई इसमें। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये मिलियन है, इंटरनेशनल है, तो इसमें 3-3 का पीरियड्स होता है, ये वंस पीरियड हो गया, ये थाउजेंड पीरियड हो गया, और ये आपका क्या आ गया, अब ये मिलियन, अब इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे हम, देखिए बोरो लिया, यहाँ से ये 0 रह गया, ये 9 एंड दिस विल बी 10, 10 में से 1 गया 9 अगेन 9 एंड 9, अब इसको आप इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड करोगे, 999,999। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आज का, हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर, मतलब कितने थाउजेंड्स हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे आपको प्लेस वैल्यू में पता ही है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स, उस तरह से आपको सारे बताने हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है मेरे पास, ये देखो 1 2 3, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड दिस इज 10,000। ठीक है, तो अब क्या आ गया इसमें आपका,
आंसर क्या आ गया, 1000 कहाँ पे आया आपका, 4 पे। तो इस 4 के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सारे आप लिख दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका आंसर इसमें, 34। ठीक है, अब इसमें देखो आप, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख और दिस इज करोड़। क्या है ये फिगर, 7 करोड़ 1 लैख 32,020। तो अब आपका आंसर क्या आ गया इसमें, लिसन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अब ये सारी फिगर आ गई आपकी, 7, 0, 1, 3, 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब इसमें देखिए आप, 3,49,467, 1, 10, 100,000, यहाँ से शुरू हो गया ना 9 से, तो इसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। कितने थाउजेंड्स हैं इसमें, 349,000 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, जैसे ये, हाउ मैनी 10,000s, अब देखो 10,000s की प्लेस कौन सी होती है, फिफ्थ प्लेस होती है ना, 1, 10, 100,000 एंड दिस इज 10,000। तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी हैं तो कितने आ गए ये, 13 आ गए। एक और एग्जांपल देखो, 1, 10, 100, दिस इज थाउजेंड्स, अब इसमें 10,000 तो है ही नहीं है, आपको क्या पूछा गया है इसमें, 10,000 पूछा गया है, 10,000 इसमें है ही नहीं है, तो 0 आ गया आपका आंसर। अब ये क्या है, 5,64,34,440। ठीक है, अब आपको क्या देखना है इसमें, 10,000s, 10,000s की प्लेस कौन सी होती है, ये वाली फिफ्थ वाली, तो ये सारे डिजिट्स आ गए, 5, 6, 4, 3, मतलब 5,643,000s, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ मैनी लैक्स आर देयर, अब लैक देखनी है आपको, लैक की पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, ये पीरियड चला गया और ये आ गया आपका लैक पीरियड, 6। तो अभी आपके कितने हो गए, वैसे इसको आप काउंट कर दो, 56,78,934 आ गया ना ये। तो अब 6 पे आपका क्या आता है, लैख आता है, तो 6 के इधर लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं तो कितने हैं ये, 56। तो 56 इज योर आंसर। ऐसे ही इसमें देखो, लैख में पोजीशन में क्या है, यहाँ पे 4, ठीक है, 4,83,296 है। ठीक है, तो इसके राइट लेफ्ट साइड में कोई और है, नहीं है, तो ये 4 इज योर आंसर। अब इसमें देखिए, 31,52,109, ठीक है, अब लेफ्ट की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके इस तरफ कितने हैं, ये 3 भी है, 31 आके आ गया आपका लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। चलो लेट्स सी अगेन, आज हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि हमें कोई भी फिगर दी हुई है उसमें हमें जितने थाउजेंड्स, वंस, जो भी हमें दिया हुआ है, अगर मोर दिया है तो हमने उसको ऐड करना है, अगर वहाँ पे लेस लिखा है तो आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से ही इसमें है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, राउंड फिगर दी हुई है, जैसे 10,000 है, 1,000,000 है, ऐसे आपको 1,000 में भी आ सकता है, 1,000 में आप क्या करोगे, 1,000 लिखा, जैसे ये 1,000 माइनस 1, ठीक है, ये गया 0, 9, 9 और ये गया 10, 10 में से 1 गया 9, 999 इज योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर, थाउजेंड्स की पोजीशन कहाँ पे होती है आपकी, फोर्थ पोजीशन होती है ना, यहाँ पे फोर्थ डिजिट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस 4 के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आपके क्या बन गए, थाउजेंड्स बन गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 10,000 बताने हैं, तो 10,000 की पोजीशन कौन सी होती है आपकी, फिफ्थ होती है, तो फिफ्थ डिजिट जो भी है इसका, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आपके क्या बन जाएंगे, 10,000। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, ये लैक्स, हाउ मैनी लैक्स आर देयर, ठीक है, लैक्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ, जैसे यहाँ है 6 पे, 1, 10, 100,000, 10,000 एंड दिस इज लैक, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आपके क्या आ जाएंगे, लैक्स में आ जाएंगे। तो जैसे इसमें क्या आ गया आपका, 56। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।